नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू नाइन्थ एंड इलेवेंथ, गोमती ग्रामीण निधि बैंक, नौ वर्ष पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल, वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन में 12 बजे आवास को लेकर पंचायत के दौरान एक पक्ष की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग में दूसरे पक्ष के तीन युवकों को गोली लगी। घटना में तरवा थाना क्षेत्र के जामुडीह निवासी 32 वर्षीय हिमांशु सिंह पुत्र बिट्टू सिंह के सीने में गोली लगी, जबकि मुन्ना सिंह व प्रदीप सिंह उर्फ भीम पुत्र ननकू निवासी नई बस्ती थाना महनाजपुर को पैर में गोली लगी है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। अनफनन में तीनों घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख उनको वाराणसी रेफर कर दिया गया। हिमांशु की वाराणसी पहुंचने पर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग आर ने बताया कि महनाजपुर थाना के मुख्य कस्बा के दक्षिण का पुरा में आवास को लेकर पंचायत हो रही थी। एक पक्ष से शिवशंकर सिंह उर्फ भूरा सिंह और दूसरे पक्ष से भीम सिंह थे। पहले तूतू मैं हुई, इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद बात बढ़ने लगी तो भूरा सिंह पक्ष से लाइसेंसी असलहे से फायरिंग हो गई। एसपी बताया कि हमलावर पक्ष से पांच लोगों को फिलहाल उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। घटना की सूचना के बाद एसपी के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, सीओ लालगंज मनोज रघुवंशी समेत अन्य अधिकारी व पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लगे हुए थे। 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र महनाजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत महनाजपुर दक्षिण कापुरा में एक आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसके दौरान फायरिंग में कुछ लोगों को गोली लगी है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है। स्थानीय थाना अध्यक्ष, आसपास के थाना अध्यक्ष, सीओ लालगंज, एसपी सिटी, मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो चश्मदीद गवाह है उनसे बातचीत की गई है। अभी तक की छानबीन से पता चला है कि आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह जो पूर्व प्रधान है और दूसरा पक्ष भीम सिंह के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान भूरे सिंह और इसके साथियों के द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायर किया गया। इस फायरिंग में तीन लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति हिमांशु सिंह, इनके सीने में गोली लगी। इनको बनारस उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हुई है। दो अन्य व्यक्ति भीम सिंह और मुन्ना सिंह, इनके पैर में गोली लगी है। दोनों वर्तमान में उपचाररत हैं। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। पाँच लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा अब तक लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें एसओजी टीम समेत गठित हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके जो भी नामजद होंगे, जो भी इस घटना में शामिल होंगे, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगे पुलिस कार्रवाई करेंगी। चार टीमें हमारी लगातार दबिश में हैं और जो जिस पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई है, इस पक्ष के जो लोग हैं उनमें से पाँच लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा वर्तमान में पूछताछ की जा रही है। बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के मातवरगंज मोहल्ले में लाल डिग्गी मार्ग पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कई दशकों से संचालित किया जा रहा राजकीय अंबेडकर छात्रावास को न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को पुलिस बल की भारी मौजूदगी में खाली करा दिया गया। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस और पीएसी के जवानों की मुस्तैदी के कारण मामला दब गया। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से मातवरगंज में किराए के मकान में दलित वर्ग के छात्रों के लिए राजकीय अंबेडकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा था। कालांतर में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर के नरौली पुल के समीप पुरुष छात्रावास तथा पुरानी जेल के सामने दलित महिला छात्रावास का भवन तैयार कर उसमें बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन मातवरगंज में स्थित छात्रावास को खाली नहीं कराया जा सका। इसके बाद मकान मालिक ने अपना मकान खाली कराने के लिए समाज कल्याण विभाग से पत्राचार किया, बात नहीं बनी। मजबूर होकर मकान मालिक ने न्यायालय की शरण ली। बताते हैं कि न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद वर्ष 1998 में अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया, कारण कि समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में अपने हाथ खड़े करते हुए पल्ला झाड़ लिया था। इसके बाद तो लगभग ढाई दशक तक इस कच्चे मकान में छात्रावास का संचालन किया जा रहा था।
वर्ष 2023 में मकान मालिक पक्ष ने मकान खाली कराने के लिए एक बार फिर न्यायालय में गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रावास खाली कराने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में मंगलवार को शहर कोतवाली के साथ ही अन्य थानों की पुलिस तथा एक कंपनी पीएसी के जवानों की मौजूदगी में दलित छात्रावास को खाली कराया गया। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी में उनकी हिम्मत जवाब दे गई और दोपहर तक छात्रावास को खाली करा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा रही। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट बेसमेंट में सूचना विभाग, पर्यटन विभाग, महिला कल्याण विभाग, ICDS, उद्योग विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, समाज कल्याण, खादी ग्रामो उद्योग विभाग, उद्यान विभाग, श्रम विभाग, NRLM द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा फीता काट कर शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों द्वारा लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया गया। इसी के साथ ही सूचना एवं पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस एवं धार्मिक स्थलों के संबंध में लगाई गई स्टैंड का अवलोकन भी हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट बेसमेंट में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया कि प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लाभ उठाएं। DM ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के संबंध में बताया कि अंग्रेजी शासनकाल में उत्तर प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जिसमें 1775 से लेकर 1883 तक प्रेजिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के अधीन था। 1836 में आगरा प्रेजिडेंसी का नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविडेंस रखा गया तथा इसी की राजधानी इलाहाबाद से आगरा हस्तांतरित की गई। 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। अंत में 24 जनवरी 1950 को इस प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि आज शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, धान क्रय केंद्र, छात्रवृत्ति, पेंशन योजना के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँच सकता है, जब तक अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आगे उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि जो भी शासकीय कार्य सौंपे जा रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। आज यूपी दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर जनपद आजमगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे हमारी BC सखी हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, अन्य जो हमारे सरकारी अशासकीय कर्मचारी, सभी को आज हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है और एक अपनी वचनबद्धता इसमें हम सभी सरकारी कर्मचारियों ने व्यक्त की है कि अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ सारी योजनाओं को हम लोग लागू करते रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश और प्रगति की ओर बढ़े। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार भी मिलेगा एवं अमृत सरोवर से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर में विस्तार से जानकारी दी एवं आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। इसी के साथ ही जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नेहरू हॉल के सभागार में विभिन्न विभागों के लाभार्थियों एवं अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र, साड़ी, लैपटॉप, प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। प्रदेश दिवस 2023 का प्रोग्राम हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नेहरू हॉल में। पहले हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर आए, उन्होंने अपने कर कमलों से उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और आशीर्वचन दिया और लाभार्थियों को विभिन्न जो कल्याणकारी विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को जो है उन्होंने पुरस्कृत किया, लैपटॉप बांटे, डेमो चेक बांटे और उसके बाद फिर उस यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट बेस है
बेसमेंट है, यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सूचना विभाग की प्रदर्शनी है, यहाँ पे पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी है, यहाँ पे पुस्तक मेला भी है सूचना विभाग का, और एक अच्छा आयोजन है। इसके बाद इसको और इसके अतिरिक्त भी GGIC यहाँ पे है, वहाँ पे बच्चों स्कूली बच्चों का जो है वो रोजगार एवं निवेश के विषय पे जो है प्रतियोगिताएं हैं विभिन्न प्रकार की, उसको छोड़ के स्टॉल्स में कई विभागों के स्टॉल्स हैं विभिन्न विभागों के, जैसे उद्योग का भी है इसमें, इसमें आप ODOP का भी देख रहे हैं, इसमें आप खादी का भी है, बाल विकास वगैरह का भी है, कई सारे हैं, कृषि का भी है इसमें जो है, तो उद्यान विभाग का भी है, तो इसमें कई सारे स्टॉल्स ऐसे ऐसे अलग अलग विभागों के स्टॉल्स हैं। और बाकी आप प्रदर्शनियाँ देख रहे हैं इधर जो है सूचना विभाग की और पर्यटन विभाग की, पुस्तक मेला जो सूचना विभाग के द्वारा किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। MLC व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित मानस पर दिए गए विवादित बयान की पूरे देश में तीखी आलोचना हो रही है। स्वामी प्रसाद के बयान से जहां समाजवादी पार्टी निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में शहर के हरबंसपुर स्थित पालीवाल गेस्ट हाउस में आयोजित मतदाता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी MLC सुभाष यदवंश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस को बैन करने की मांग कर रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव में जनता ने उन्हें हरा कर बैन कर दिया है। कहा कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के कारण ही जनता ने उन्हें सदन नहीं भेजा, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पिछले दरवाजे से MLC बना दिया। ऐसे लोग आज सड़क पर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बाद में सदन में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह भगवान राम और रामायण पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो क्या कार्रवाई करेंगे। बीजेपी MLC ने कहा कि जिस नेता को जनता ने जमींदोज कर दिया उसे अखिलेश यादव ने सदन में भेजने का काम किया है। कहा कि अखिलेश यादव कार्रवाई करें न करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून अपना काम करेगा और जनता तो इन्हें पहले ही नकार चुकी है। बीजेपी MLC ने खंड स्नातक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह की भारी मतों से जीत का दावा किया। कहा कि स्नातक मतदाता मोदी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष PP राय, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, मयंक गुप्ता, हरिकेश यादव, श्याम नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। कह रहे हैं कि वो रामचरित मानस को बैन कर देना चाहिए, इतना विवादित बयान क्या? देखिए, जनता ने उनको पिछले चुनाव में बैन कर दिया है। ठीक, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को सदन और संसद में नहीं भेजने का काम किसने किया? जनता ने किया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको जबरदस्ती सदन में भेजने का काम किया, तो जनता के आशा के विपरीत काम करके ये इनको अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए कि क्या आप जो है भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, क्या आप जो है रामायण का अपमान कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऐसे व्यक्ति को उठा करके जिसको जनता ने बुरी तरह जमींदोज किया, आप उनको सदन में भेजने का काम कर रहे हैं। अभी वो सड़क पर बोल रहे हैं, कर सदन में यही भाषा बोलेंगे, लेकिन देखिए कानून अपना ठीक से काम करेगा योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, और जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करेंगे या हम लोगों के जो आस्था, हाँ हाँ, उसमें कानून भी अपना काम करेगा, जनता तो अपना काम किया, आगे भी उनको रास्ता दिखाएगी। देखिए, पूरे स्नातक मतदाताओं से लगातार संपर्क मैं भी कर रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता लोग भी कर रहे हैं, हमारे पूरा नेतृत्व मंडल कर रहा है, हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी तो लगातार 6 साल तक इस काम में रहती हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा चुनाव की हवा है, और रिकॉर्ड मतों से और ऐतिहासिक मतों से आजमगढ़ से भी और पूरे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री को सुनिश्चित करेगी। आज मतदाता सम्मेलन है, मतदाता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? इसके इतने कारण हैं कि मैं अगर आपको बताने पे आऊं तो आप ही समझिए कि मुझे लगता है 3-4 घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर हम बेसिक 2-3 बातें करें कि देखिए, स्नातक जो हैं
पहली बात तो स्नातकों, जो कोई स्नातक है पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए कैसे समाज की रचना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो की है। भर्ती की जो संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की, जिनमें क्षेत्रवाद से लेकर के विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ था, हमारे जो अभ्यर्थी स्नातक करके एग्ज़ाम देने जाते थे, उन सब लोगों को पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं होता था, फिर उसके बाद तमाम तरह के भ्रष्टाचार थे। तो जो उनका फीस जमा करते थे वो फॉर्म वगैरह की, वो करोड़ों रुपए में आती थी, और वो पिछली सरकार रखे रहती थी, उनका एग्ज़ाम नहीं कराती थी, रिजल्ट नहीं देती थी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक करने का काम किया है। केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, नौजवानों के लिए, स्नातकों के लिए और सभी वर्गों के लिए आमूल चूल परिवर्तन का काम हुआ है। आज कहीं भी स्नातक पूरे देश में जाकर के गर्व से ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, 11 एक्सप्रेसवे सिस्टम ऑन है, और वो कह सकते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो जिसमें मेडिकल कॉलेजों की भरमार है, और एक वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल की कॉलेज की तरफ तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पहले सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, समय 60 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं। आज आप देखिए एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हवाई अड्डे लगातार बन रहे हैं, और आपके आजमगढ़, आप सोचिए, आप कल्पना करिए, पहले की सरकारों में आपके आजमगढ़ में भी हवाई अड्डा हमारी सरकार ने बनाया। इसके अलावा चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में बात करिए, शिक्षा के क्षेत्र में बात करिए, औद्योगिक विकास के, अभी देखिए औद्योगिक नीति लेकर के सरकार आई है इतनी बड़ी, और इन्वेस्टर समिट उसकी उसमें हो रहा है, और सरकार को 10 लाख करोड़ का टारगेट था, 17 लाख करोड़ का जो है MOU सरकार ने साइन किया है। ऐसे अनगिनत उपलब्धियां हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज आप देखिए देश कैसी ऊंचाइयों को छू रहा है। G20, मतलब G20 में जिनमें दुनिया की ताकत निहित है, मतलब दुनिया की GDP का सर्वाधिक प्रतिशत उनके पास है, जुड़िया की जो जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत उनके पास है, मतलब ये पावर हाउस, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। जो हम अपनी विचारधारा में बात करते थे कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है, वो दिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जिनको उपेक्षित करके रखा गया था, आप देखिए कैसे 500 वर्षों से लगातार हिंदू समाज जिसकी अपेक्षा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था ऐसे रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने को है। अभी मैं कल ही दर्शन करके आ रहा हूँ जो है काशी से भगवान महादेव का, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप एकदम मतलब दिव्य आपको अनुभूति होगी, शब्दों में नहीं आपको फील होगा वहाँ। ऐसे विभिन्न प्रकार के काम सरकार ने चतुर्दिक क्षेत्रों में करने का काम किया है, जिसमें मैंने कहा आपको कि अनगिनत कारण हैं स्नातक लोगों के पास कि और कि वो भाजपा को वोट दें। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई 3 कारण बताएं कि वो भाजपा को क्यों वोट ना दें। वो भाजपा को ही वोट देंगे और आप देखेंगे ऐतिहासिक मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। ठेकमा क्षेत्र के बरदा थाना अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में तेज रफ्तार से आ रही कार पान की गुमटी में जा घुसी, जिससे पान विक्रेता बुरी तरह से घायल हो गया। किसी ने फोन द्वारा ठेकमा चौकी प्रभारी सीताराम यादव को सूचना दिया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने घर वालों और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं कार में चालक व पीछे एक लड़की एक लड़का बैठे हुए थे। ड्राइवर को भी चोटें आई हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ड्राइवर व पीछे सवार लड़की आपस में मस्ती कर रहे थे, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और पान की गुमटी में जा घुसी। सरकार रोड सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना रही है, फिर भी वाहन चालक की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं। ड्राइवर की लापरवाही से ग्राम भगवानपुर निवासी सुखू यादव, उम्र 50 वर्ष, पुत्र हजारी यादव, भगवानपुर नहर के पास अपनी जमीन में पान की गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। कार चालक की लापरवाही से सुखू आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार को ठेकमा पुलिस चौकी पर लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार शाहबाज पुत्र जुल्फिकार व अरसलान पुत्र मतीन अंबारी फुलपुर निवासी अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से किसी कार्य के लिए जौनपुर जा गए थे। वहां से आते समय मंगलवार को दोपहर लगभग 2 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक टीन शेड में घुस गई।
वो एक का एक कह जाना सब आए के घुसा देना गाड़ी है। मतलब गाड़ी कैसे घुसा दिए, मतलब रोड पे जा रहे थे या किसी गाड़ी को बचाने के लिए घुसा दिए कि यानी आ रहे थे ऐसे ही घुसा दिए डायरेक्ट? वो सब अथुआ हो भीतर मगर मस्ती करा लगना गाड़ी है। अच्छा, मतलब वो मस्ती गाड़ी में कर रहे थे? हाँ, मस्ती गाड़ी में कर रहे थे। गाड़ी अनकंट्रोलिंग हो गई। हाँ, और गुमती में घुसा दिए। हाँ, तो गुमती किसकी है? गुमती सुखू का। तो सुखू क्या घायल है? हाँ, घायल है। कहाँ पे हैं इस वक्त? इस वक्त अस्पताल में। सर ठेकमा में। ठेकमा में कहाँ? भगवान यहाँ से 200 मीटर दूर है ना, भगवान को नहर। क्या कुछ नुकसान भी हुआ आपका? मोबाइल नहीं, खो गई है वहाँ? खो गई, कोई ले लिया मोबाइल? सर मांगे थे एक लोग, बोले अपने मोबाइल तो फोन लगाए तो मोबाइल दिया, फिर दिए नहीं मोबाइल। आपके साथ में और कोई है? पहचानते नहीं, मेरे भाई जी। वही जब आप गिर गए, चोट लगी तो? चिड़ियाकोट खरियानी मार्ग पर बढ़लगंज नहर पुलिया के समीप सोमवार की देर रात 9 बजे के करीब बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली उसके सीने में लगी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए आजमगढ़ ट्रामा सेंटर भेजा गया, यहां से उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। आजमगढ़ जनपद के जहानगंज थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव निवासी 45 वर्षीय सुनील यादव जेसीबी का मालिक है, वह खुदाई आदि का कार्य करवाता है। सोमवार की रात्रि 9 बजे के करीब अपने एक साथी के साथ खरियानी की तरफ से चिड़ैयाकोट बाजार की ओर से आ रहा था। जैसे ही वह बढ़लगंज नहर पुलिया के समीप पहुंचा, तभी पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार बदमाशों ने सामने से आकर उसके सीने में गोली मार दी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बावजूद सुनील बाइक चलाते हुए चिड़ैयाकोट थाने पहुंचा और पुलिस को आपबीती बताई। गंभीर रूप से घायल युवक को देखकर पुलिस हैरान हो गई। आनंद फानन में उसे अपने वाहन से आजमगढ़ ट्रामा सेंटर लेकर आई। यहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। एसओ राजेश वर्मा ने बताया कि घायल के साथ का युवक कहां गया यह पता नहीं चल सका है। बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले, कितने की संख्या में थे यह भी पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना पाकर सीओ डॉक्टर अजय विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंच गए। हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम घायल युवक के घर भी पहुंची है। वहीं आजमगढ़ शहर कोतवाल शशि चंद्र चौधरी ने बताया कि मामला पैसों के लेनदेन के विवाद का है। गोली मारने के आरोपी चिड़ैयाकोट जनपद मऊ के निवासी हैं। उचित दर पर दुकान आवंटन के नियमों को दरकिनार करके अधिकारी दुकानों का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिस पर स्वयं सहायता समूह ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मामला ग्राम पंचायत ऊंचा गाँव का है। स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए उचित दर दुकान दिए जाने के मामले में भी खेल हो रहा है, ऐसा आरोप आज डीएम कार्यालय पर पहुंची स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगाते हुए ज्ञापन दिया। सदर तहसील के पल्ली विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत गांव ऊंचा गांव में स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए खाद्यान्न वितरण से जोड़ा है, ऐसे में जनपद में स्वयं सहायता समूह को उचित दर दुकान कोटा लाइसेंस दिए जाने की कार्रवाई पारदर्शी रूप में होनी चाहिए, लेकिन गांव में यह कोटा समूह को न देकर बिना बैठक बिना प्रस्ताव विभागीय स्तर पर किसी अन्य के नाम साठ गांठ करते हुए कर दिया गया है। कोटा दलित का था जो है, और वो जो मर गए उनका आदमी मर गया तो उनकी पत्नी के नाम से कोटा जो है अलाट हुआ। पत्नी भी मर गई जो है, पत्नी के मर जाने से जो है कोटा दूसरी जगह अटैच हो गया जो है। और कई बार जो है ब्लॉक से लोग गए ऊंचा गांव विद्यालय प्राइमरी पाठशाला ऊंचा गांव में जो है, और कहे कि जो है भाई ये स्वयं सहायता समूह को कोटा दिया जाएगा। और जो तीन बार जो मीटिंग हुई और उसमें जो है सात, हमारे यहाँ सात समूह है, सातों समूहों को पता नहीं चला, लेकिन जो है पता बाद में चला कि किसी तरह से जो है कोई यहाँ पर पल्ली ब्लॉक में जो है विवेक सिंह नाम का लड़का है, वह जो है अपनी माँ के नाम से जो है अंदर अंदर जो है कोटा अलाट करवा लिया।
और जब हमको पता चला कि ग्राम सभा में कोई बैठक हुई ना कोई मीटिंग हुआ जो है किस तरह से एक दलितों के साथ गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग उसका विरोध करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, जिलाधिकारी जी से न्याय मांगने के लिए। जिलाधिकारी जी अगर हम लोगों के साथ न्याय करते हैं तो हम लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अगर न्याय हमको नहीं मिला तो हम जो है बाध्य होकर के जो है हाई कोर्ट जाने का जो है काम करेंगे जो है, और यह लड़ाई अनवरत चलती रहेगी हमारी जो है जब तक न्याय नहीं मिला। अधिकारी से तो आश्वासन जो है जो ज्ञापन ली है कहीं जो आप लोगों के साथ न्याय होगा जो है, अब देख लेते हैं दो चार दिन को भी जो है कि क्या न्याय हो रहा है हम लोगों के साथ जो है। हमें चार पांच समूह चलती है, हम चाह रहे हैं यही कि हमारा समूह में ही कोटा आए। किस तरह से ये कोटा आप लोगों से दूर चला गया और क्या क्या चीजें आप लोगों ने जिलाधिकारी को बताई है? हम लोग यही चाह रहे हैं सर, जैसे हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये कोटा कहीं अलग अनुसूचित जात में से अलग जात में चला जाए, वो लोग हम लोगों के माध्यम से खिलाफ मतलब वो करके लिखित दर्ज करके वो लोग अपना कोटा अपने माध्यम से कर। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सरावर्ती चौक आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेज अवेलेबल, 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फेयरवेल पार्टी एंड आउटडोर केटरिंग, फ्री होम डिलीवरी। मटका बिरयानी हैज स्टार्टिंग चंपारण वेरी सून। वैलेट पार्किंग अवेलेबल। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सदावर्ती चौक आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।